आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपना डायबिटीज़ कैसे रिवर्स किया और डायबिटीज़ रिवर्स के दौरान मैं क्या करता था, मैं क्या खाता था। और अगर आप लोग को भी डायबिटीज़ है तो आप लोग को पता चलेगा कि मैंने अपना डायबिटीज़ कैसे रिवर्स किया, मैं क्या करता था। अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो सुबह उठ के आपको कसरत करना पड़ेगा। कसरत बहुत ज़रूरी है, कसरत करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है और अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आप अपना रिवर्स कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के साथ कसरत करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी साइकिलिंग करने आया हूँ, तो आप लोग भी कसरत करिए, सुबह उठिए और कसरत करने के बाद अभी थोड़ा देर में हम घर जाएंगे, फिर बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ। सबसे पहले मैं नींबू पानी पीऊँगा क्योंकि नींबू पानी पीने से आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है, विटामिन सी मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है, आपके इम्यूनिटी बूस्ट होता है उससे। अभी बज रहे 9:30 और मैं एक ड्रिंक बनाने जा रहा हूँ और वो ड्रिंक है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कैसे बनाते हैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी कैसे बनाते हैं। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बेसिकली आपको कॉफ़ी चाहिए और उसमें थोड़ा सा घी या फिर बटर या फिर कोकोनट ऑयल आप डाल सकते हैं। मेरे पास कोकोनट ऑयल है तो मैं कोकोनट ऑयल डाल के बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बनाता हूँ। ये मेरा बुलेट प्रूफ कॉफ़ी है, अभी आपको दिखाया मैंने कैसे बनाते हैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। इससे मैं अपनी दिन की शुरुआत करता हूँ। ये कॉफ़ी है, इसमें कोकोनट ऑयल डाला मैंने और इसमें फ्रेश क्रीम भी डाला, तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, इसमें 300 कैलोरीज के आसपास होगा और ज़्यादातर कैलोरीज जो है ये फैट में आ रहा है। तो अगर आप इसको लेंगे तो आपका शुगर लेवल राइज नहीं होगा। तो मैं अपने रिवर्सल के दौरान इसी से मैं शुरुआत करता था और लगातार 5-6 महीने इसको मैंने पिया था। जब मुझे डायबिटीज़ हुआ था तब मैं ऑफिस में काम करता था, तो मैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पी के उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता था, उसके बाद कुछ नहीं खाता था। तो मेरा सेकेंड मील रेडी है, आप देख सकते हैं मेरा सेकेंड मील ये होता था, लेकिन ये मैं ऑफिस में लेके जाता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है इस प्लेट में। तकरीबन यही चीज़ होता था जब मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया था। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 6 घंटे का गैप था पहला मील और दूसरा मील में, और पहला मील में मैंने क्या खाया था, सिर्फ और सिर्फ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी जिसमें बहुत मात्रा में फैट था और प्रोटीन बहुत ही कम था और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही नाम मात्रा के लिए था, तो वो एक हाई फैट ड्रिंक था। और अभी जो मेरा सेकेंड मील है आप देखिए इसमें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 रोटी है, ये 2 रोटी, इसमें घी लगा हुआ है और ये रोटी बना है आलमंड फ्लोर और कोकोनट फ्लोर से बना हुआ है 2 रोटी, जिसमें कि अच्छा खासा फैट मिलेगा आपको। और साथ में आपको बहुत सारे सब्जी, ये जो सब्जी आप देख रहे हैं ये बैंगन का भरता है, ये गोभी का सब्जी है, ये बेबी कॉर्न है और ये एक मिक्स्ड वेजिटेबल है, इसमें ज़्यादातर पनीर है और कैप्सिकम है, इसमें येलो और रेड कैप्सिकम और साथ ही इसमें आपको मशरूम भी मिलेगा। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ और चाय के साथ बादाम, अखरोट और ये सनफ्लावर सीड है। तो ये मेरा लास्ट मील है, आप देख सकते हैं ये तकरीबन वही मील है जो मैंने लंच में लिया था या दोपहर को खाया था, लगभग सेम है वही। आप सलाद का प्लेट है, वही सलाद है। अब रोटी पहले मैंने 2 खाया था, अब मैं 1 रोटी खा रहा हूँ। और सब्जी देखिए आप, उतना ही सब्जी है, वही सब्जी है जो पनीर और मिक्स वेज का सब्जी था, इसमें कैप्सिकम है, मशरूम भी है, ये थोड़ा सा बैगन का भरता है, ये बैगन का भरता, ये बेबी कॉर्न है और ये बेसन का गट्टे का सब्जी। तो मेरा हो गया फाइनल मील खत्म। अब मैं 1 घंटे के आसपास थोड़ा म्यूजिक सुनूंगा, म्यूजिक सुनने के 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं सो जाऊंगा और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठूंगा 6 बजे के आसपास और फिर से वही रूटीन शुरू होगा। तो ये था मेरा डेली का रूटीन जब मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर रहा था। तो अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इसी तरह से फॉलो करेंगे, तो आप भी देख सकते हैं कि आप अपना डायबिटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपका डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाएगा।